Welcome to Morocco. But how do you say in Morocco? مرحبا بك في المغرب. Okay. Morocco. नाम तो सुना होगा इस खूबसूरत देश का, जो था मेरा कंट्री नंबर 68, जिसे मैं एक्सप्लोर करने रहा था एक महीने के लिए। दिखाऊंगा इस सुंदर से कल्चरल हेरिटेज इस कंट्री को, जो कि बसा है अफ्रीका के नॉर्थ में, अरबिक अफ्रीका कहते हैं, जहां पे मैं स्पेन के सीबीए से फ्लाई करके चला जाऊंगा तंजीर, फिर जाऊंगा शेफ शावन फेस, इसका कैपिटल रबात, सबसे बड़ा शहर कासाब्लांका, सबसे टूरिस्टिक मार्केश, फिर अगादिर और फिर वेस्टर्न सहारा के पार्ट से एक्सप्लोर करूंगा इस आने वाले पूरे मोरक्कन सीरीज में। सो लेट्स एक्सप्लोर मोरक्को विद योर एक्सप्लोरर राजा। राइनर से बैठ करने वाले और दुनिया की सबसे छोटी इंटरनेशनल फ्लाइट होगी आज मेरी, 40 मिनट की फ्लाइट है फ्रॉम सीरी स्पेन टू तंजीर मोरक्को। ये फ्लाइट का मैंने दिया सिर्फ 16 यूरो, 10 यूरो मेरा और 6 यूरो मेरा बैकपैक का, क्योंकि छोटा राइड है तो पैसे भी कम लगते हैं। और चलो चले मोरक्को, चलो चले अफ्रीका में। ये मेरा दूसरी बार अफ्रीका में है और दूसरी बार अरबिक कंट्री, पहला था ट्यूनिशिया 2019 में और वो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, और मोरक्को में भी कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। लंबा रहूँगा और पूरा अफ्रीका करूँगा एक्सप्लोर राजा के साथ। लेट्स एक्सप्लोर अफ्रीका। बैग मैंने रख दिया, बैग थोड़ा निकल गया है क्योंकि सारे जैकेट्स अंदर हैं। विंटर में ट्रैवल कर रहा था यूरोप तो ज़्यादा लेयर्स से फेंक दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी फेंकने का मन नहीं कर रहा। सीट है 8B पर 8C में बैठा हूँ, देखता हूँ कौन कौन आता है। जब तक मैं ये छोटी फ्लाइट लेता हूँ आप लोगों को बता दो वीज़ा के बारे में। वेल मोरक्को आज के डेट में इंडियंस को दे रहा है ई वीज़ा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बस $75 यानी कि अराउंड 6,000 रुपये आप दो और वीज़ा अप्लाई कर दो। 10:55 को टेक ऑफ हो गया है, देखते हैं कितने बजे उतरते हैं। सबसे छोटी इंटरनेशनल फ्लाइट है ये। बाय बाय यूरोप। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 3 से 5 दिन वेट करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका मोरक्को का वीज़ा, जो कि वैलिड है 30 दिन के लिए सिंगल एंट्री पूरा मोरक्को एक्सप्लोर करने के लिए। आसान है ना, ई वीज़ा इंडियंस को मिलता है तो बहुत मज़ा आता है। अभी फिर से सीट बेल्ट का साइन आ गया, मैं टाइम चेक कर रहा था भाई, 15-20 मिनट लगा। डिसन छोड़ो समुद्र उधर, इतना शॉर्ट फ्लाइट लिया उसके सस्ता पड़ा शायद, कोई बात नहीं चलो चलते मोरक्को में। तंजीर बस लैंड करने से पहले ये ई वीज़ा का प्रिंट आउट निकाल लो और एक होटल बुकिंग निकाल लो, और इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछेंगे, बस आपको प्लान पूछेंगे कहाँ कहाँ जाने वालों, बस आपको पता होना चाहिए कि आप मोरक्को में क्या क्या देख रहे हो, बाकी सेट है। 55 को टिक ऑफ किया था और 24 में उतर गए, मतलब आधा घंटा भी नहीं, 29 मिनट्स में खेल खत्म हवाई में। ये था अपना फ्लाइट और रायनेयर का लैंडिंग बहुत ही ख़राब होता है, वर्ल्ड फेमस है, बट सेफ है, सेफ है, पहुँच गया पहुँच गया। और लैडिनो सब क्लैप करते हैं। सिक्योरिटी और इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ हुआ, ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं और एंट्री हो गई थी मेरे 68 कंट्री में। वेलकम टू मोरक्को। बट हाउ डू यू से इन मोरक्को? مرحبا بك في المغرب. اوكي. مرحبا بك في المغرب. I'm going to YouTube اليوم. Okay, which one? This. This one you keep with me. Okay. In SIM 1. This one in SIM 1 and the other one in SIM 2. SIM card. Free fee बोल रहे थे बट This your number for YouTube. Yeah, it's fine. The video is complete. Which is my number actually? 06. Yes. Arabic और French, ये दोनों भाषाएं हैं पूरे मोरक्को में, पर मेरे को कभी एक महीने के ट्रिप में प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि हर टूरिस्टी जगह पे, हर जगह पे मॉडर्न लोगों को इंग्लिश बोलना आता है, तो इंग्लिश से पूरा मेरा ट्रिप का काम बन गया, कम्युनिकेशन टॉप नॉच। लोग तो बहुत ही वेलकमिंग है यहाँ पे, मजा आ रहा है, हिंदी में गाना भी कर रहे हैं। यू वॉच इंडियन मूवीज अ लॉट? ओके, इट्स डांस इन दुबई। ओके ओके, हाउ कैन आई चेक? एंड नो कॉलिंग? चेक योर इंटरनेट। नो कॉलिंग? इन व्हाट्सएप। ओनली व्हाट्सएप? ओके ओके, यू कैन पुट योर व्हाट्सएप देन। बिकॉज़ ऑल इंटरनेट। देन यू कैन पुट योर व्हाट्सएप हियर। व्हाट्स योर नेम? व्हाट? यू जस्ट टेक्स्ट मी। राजा। इट्स डन, इट वर्क्ड। राजा, राजा। राजा? या। राजा Kilip? Kilip. What is Kilip?
आई डोंट नो यार, ये लोग बहुत मजेदार है। बाय कार्ड? नो, ओनली कैश। नो कैश? या नो, ओनली कैश। नो, सीरियसली? या नो कार्ड? वी डोंट हैव टिकट। ओके, बट लोकल मनी और यूरोस? एक्सेप्ट यूरो। अफ्रीका में आ गया तो कैश कार्ड डालनी पड़ेगी, ज्यादातर जगह पे सिर्फ कैश ही चल रहा था। उस शटल में आ गया था, बस में शायद लेते 4 और शटल में लेते 5, तो मैंने 10 दिया था, 10 दिनार उन्होंने मेरे को दिया, ये 10 के कॉइन और एक 5, यानी कि 45 रुपये मिल गया। यानी इन्होंने चार्ज किया हम लोगों को आई थिंक 5 दिनार, जिसका मतलब हो गया आज के दिन में 80 रुपये, नहीं 40 रुपये, 10 दिनार का मतलब 80 रुपये, 5 का 40, एक दिनार का मतलब 8 रुपये होता है। तो यूरोप के मुकाबले तो सस्ता लग रहा है, बट इंडिया के मुकाबले महंगा है। तो यूरोप के मुकाबले सोचूंगा तो ज़्यादा खर्च कर दूंगा, इंडिया के मुकाबले सोचना है तो 40 रुपये बस का ठीक ठाक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ठीक ठाक प्राइस है। अभी यहाँ से सेम वाली बस मिलती तो सिर्फ 15 मिनट वॉक होता है, यहाँ से शायद 30 मिनट का वॉक है टू माई हॉस्टल। तो अभी मैं ATM से पैसे निकाल रहा हूँ और 4000 लोकल करेंसी, जो कि बहुत होता है यार, 4000 का मिला, कट गया 4035 इन्होंने ले लिया। 4000 का भी मेरे बैंक से कितने कटे देखना पड़ेगा। ये वाला बैंक सबसे मेरे को सस्ता मिला, क्योंकि सारे बैंक्स इससे भी सस्ता बैंक है जहाँ पर आपको वो 35 दिरहम नहीं देने पड़ेंगे, बट मैंने दे दिया। अभी क्या कर सकते, पैसे की ज़रूरत थी, कैश के बिना कहीं पे काम नहीं चल रहा था। पीछे 2-3 गैस स्टेशन था क्योंकि ये सर्कल है, और गैस का प्राइस था 12.5 और 14, यानी पेट्रोल और डीजल, इसमें पेट्रोल कौन सा है डीजल कौन सा है पता नहीं, बट 12.5 का मतलब हो गया वही 100 रुपये और 14 का मतलब हो गया 8×4 = 32, 110-112 रुपये। तो सेम ही प्राइस है, ऐसा नहीं है कि अरबिक कंट्रीज में सस्ता है, क्योंकि मोड़के के पास तेल नहीं है तो उतना भी नहीं है, है एक्चुअली तेल वेस्टर्न सहारा के साइड में, पता नहीं, पता चलेगा ट्रैवल करते करते। ये पूरा सीरीज़ देखोगे आप लोग तब मज़ा आएगा। वैसे ये मुस्लिम कंट्री है तो टाइट है थोड़ा चीज़ें, बट उतना भी टाइट नहीं है। ये टूनिशिया सबसे लूज है तो ये सेकंड मोस्ट लूज है, टूनिशिया का बैंड कहते हैं इसको। आप लोगों ने टूनिशिया सीरीज़ बहुत प्यार किया, बहुत मज़ा आया, आशा करता हूँ मोरक्को सीरीज़ में उतना ही प्यार मिले, उतना ही मज़ा आएगा। फ्राइडे दोपहर का नमाज़ का टाइम है, सब यहाँ पे रुक के नमाज पढ़ रहे, तभी इतना शांति है, वरना तो ये देश भी चहकने वाला है। बट इस्लामिक कंट्री है तो इस्लाम को बहुत अच्छे से माना जाता है और फॉलो किया जाता है। सब जगह सब कुछ काम रुक गया है क्योंकि सब ने नमाज पढ़ने की मतलब स्टार्ट कर दिया है, सारी गाड़ी खाली है, लाइन पर लगे सब चले गए नमाज पढ़ने। तो हमें चाचा रास्ते में कुछ बेच रहे थे तो मैंने ले लिया, भूख लगा था तो इसका लिया इन्होंने, मैंने 5 दिया, इन्होंने मुझे 3 रिटर्न कर दिया, मतलब 2 दिनार यानी कि 16 रुपये। 16 रुपये में मैं क्या खाऊंगा अभी देखता हूँ। बादाम का कुछ बना है, स्वाद नहीं है, पर भूख लगा तभी खा रहा हूँ। बादाम का कुछ है 16 रुपये में, मज़ा आने वाला है, सस्ती मस्ती होने वाली है अफ्रीका में, अफ्रीका में नहीं होगा सिर्फ यहाँ पे होगा। तो फैंटा का कैन मिल गया 4.5 दिनार में ऐसे दुकान से, सुपर मार्केट से लोगे आपको ज़्यादा सस्ता मिलेगा। 4.5 क्या मतलब हो गया 4×8 = 32 और 36 रुपये में। तो हम लोग आ गए यहाँ पे मदीना में, मेरा हॉस्टल का नाम भी हॉस्टल मदीना है, मदीने के अंदर है। मदीना आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ, ये सब अरबी कंट्रीज़ में जो सिटी सेंटर रहता है उसको एक टाइम में कैसल की तरह बनाया जाता था और चारों ओर से ढका जाता था, तो चारों ओर फोर्ट्रेस है और बीच में ये सूक कहते हैं, मतलब सूक मतलब मार्केट, या फिर मदीना के अंदर का सूक पूरा मार्केट है। आज फ्राइडे है, फ्राइडे दोपहर को ठंडा है, बट शायद कल आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ हॉस्टल मदीना, महंगा है यार, महंगा है। यूरोप में मैं 12 यूरो दे रहा था, इधर 9 यूरो, कोई मतलब हुआ? सस्ता ढूंढना पड़ेगा।
और ये मदिरा के अंदर बहुत ठंड है, बाहर तो गर्मी थी धूप में, पर यहाँ पे सफ़ेद बिल्डिंग है और ठंड है। अभी अपना हॉस्टल कहाँ पे यार, इधर तो होना चाहिए। तो स्पेनिश आता है तो मेरे स्पेनिश से बात चल रही है, अरबिक और फ्रेंच की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इसका मैंने देना आज अटका ऑलमोस्ट। तो इस बेड का देना पड़ रहा है 80 दिनार, एक दिन आपको समझा दिया ऑलमोस्ट 8 रुपये है। ये कैश ओनली सोसाइटी चल रहा है अभी, अभी तो सिर्फ कैश ही चलेगा, तो कार्ड का सीन ही नहीं है। मेरे को लगा था हॉस्टल में एटलीस्ट कार्ड से पे कर पाऊंगा, बट नहीं, कार्ड का सीन नहीं है तो कैश निकालने पड़ेंगे अभी। चलो निकलते हैं, कुछ खाते हैं या फिर ऊपर से थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद, पूरा सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद वाइट को रिफ्लेक्ट करता है और ताकि कम गर्म लगे। और सामने अपना समुद्र, और मेरे को 100% पता नहीं है ये क्या स्पेन है। नहीं नहीं, ये स्पेन नहीं होगा, इतना पास थोड़ी होगा, थोड़ा दूर होगा स्पेन, बट स्पेन एकदम सामने ही है। तो कुछ खाना ढूंढते यार, भूख लगी है। शाम के बज के 4:20 और सेम यूरोप का टाइम ही यहाँ पे चलता है, सेम यूरोप का टाइम चलता है। और हम लोग मदीना के बीचों बीच है। ये बिल्डिंग सारे पेरिसियन स्टाइल का मतलब होता है पेरिस का स्टाइल। तो फ्रेंच यहाँ पे आया था, राज करके गया है, तो फ्रेंच स्टाइल के उनके बिल्डिंग थे, पर मेरे को लग नहीं रहे कि ये पुराने हैं, नए बनाए गए लगते हैं, स्पेशली आउटर ढांचा। कोई लोकल मिलेगा तो अच्छा से पता चलेगा। चार्ली चैपलिन, इसके ठिकाने पे खाते हैं कुछ। तो देख सकते हो कि मेनू यहाँ पे अरबिक में है और फ्रेंच में है, अंग्रेजी में नहीं है, तो एटलीस्ट वैल्यू तो इंग्लिश में है इतना पता चल रहा है। तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा। पोलेट का मतलब होता है पोयो या फिर चिकन, तो मैंने ये चौथा वाला ऑप्शन ले लिया है। 28 का मतलब हो गया 100 रुपये के आसपास। इधर ब्रेड को लो, चिकन निकालो यहाँ से, ये भाजी जैसा है अपना भाजी। तो उतना सारा खाना हम लोगों ने खा लिया 28 दिरहम में, यानी कि 220 रुपये, 220 रुपये में इतना सारा खाना खा लिया, यानी 2.5 यूरो में। बहुत बढ़िया लगा। अभी चलो चलते हैं बीच साइड और आपको बताते हैं, मोरक्को के बारे में जानते हैं और बताते हैं। गली गली में हर जगह पे अभी आपको मस्जिद दिखेंगे, बड़े बड़े मस्जिद, छोटे छोटे मस्जिद, सुंदर सुंदर मस्जिद, अलग तरह के मस्जिद। पर यहाँ पे भी इंडियन कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है, जैसे देखो हेना बन रहा है यहाँ पे, और इंडियन मूवीज़ जैसे वो लड़की एयरपोर्ट पे तेरी मेरी गाना कर रहा था, तो इंडियन मूवीज देखते हैं अरबी कंट्रीज में, पूरी दुनिया में देखते हैं, पेरू में भी देखते हैं, इक्वाडोर में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। इतने जोर से हर जगह पे गाने बजाते हैं ना, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए कुछ भी कैफे के अंदर नहीं जा सकते, हर जोर से अरबिक में गाना बजता रहता है। ये एक स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे सिनेमा देख सकते हैं, सिनेमा स्क्वायर हुआ, लोग बैठे हैं। आज फ्राइडे शाम है, अभी मेरे को नहीं लगता कि ये फ्राइडे की वजह से ज़्यादा भीड़ है, या फिर जनरली ऐसा भीड़ होना चाहिए। ठंड मेरे को लग रहा है, ऐसा नहीं कि ठंड नहीं है, हालांकि मैं सिर्फ छोटा सा स्वेटर पहना हूँ, बट लोग जैकेट वैकेट पहने हैं प्रॉब्ली, क्योंकि मैं अभी यूरोप से आया हूँ, तभी मेरे को ठंड थोड़ा कम लग रहा है, पर ठंड है। तो अगर आप मार्च में आओगे तो ठंड लग सकता है, क्योंकि सनसेट अभी तक नहीं हुआ है। सनसेट हो गया है, I think we can see the sunset from the beach, the next to the airport, right? Yeah. What is the beach called? Ashakar. और थोड़ा चल चल दौड़ दौड़ के आए, पर मज़ा आ गया, क्योंकि ये जो बंदा है मेरे साथ, इससे मैं मिला था
मेक्सिको सिटी में, फिर हम लोग मिले पोर्टो एस्कोंडिडो में, और फिर हम मिले जिपोलिते में। तीन बार मिले ऐसे रैंडमली, और आज भी काउचसर्फिंग खोला मैंने, हैंगआउट्स खोला। ये बंदा है तो स्विट्ज़रलैंड का, बट यहाँ पे इसने हॉस्टल खोल लिया, और भी हम लोग यहाँ पे आगे भागते भागते चार बार मिल रहे बिना नंबर शेयर किए ऐसे ही। और ये है फेमस काफे आफा कहते हैं इसको। सामने समुद्र है और यहाँ पे लोग चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। ये मुझे ट्यूनिशिया की सीधी बुसे की एकदम याद दिला रहा है, बहुत सुंदर है। इधर से सनसेट होने वाला था बट हो चुका है ऑलरेडी, और इधर समुद्र है और उधर है अपना स्पेन या फिर यूरोप। बहुत बड़ा कैफे है, बहुत सारे लेवल्स में आप देख सकते हो, 3-4-5 लेवल पे, और अभी यहाँ पे आ गए तो अच्छा लग रहा है। इधर आके मज़े आ रहे हैं, आप आ सकते हो। और क्या करना है, कल से करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर अंदर। सो दिस इज़ मोरक्कन टी, और ये मेरे को एकदम ट्यूनिशिया में भी ऐसे दिखते थे, मिंट डाल के। टू स्वीट, बहुत मीठा है, बहुत बहुत मीठा है। और इसका लिया 80 रुपये, जो कि ठीक है। पहली बार मोरक्को में चाय पी रहे सब बैठ के, बट एक भी मोरक्कन नहीं है, सारे विदेशी लोग हैं। Cheers? Hola. रात के 11:30 बज गए, अभी भी दुकान वाट खुले हैं, दुकान पर अभी भी सबने समेटे नहीं है, कुछ लोग अभी भी चला रहे, कुछ लोग धीरे धीरे समेट रहे, डिनर भी कर रहे हैं, तो अलग फील आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं खाना दे रहा हूँ 10 दिनार यानी कि 80 रुपये में, एक एग रोल टाइप का बनेगा, बनता है दिखाता हूँ। रात के 11:45 बज रहे हैं, दुकान खुले, लोग खा रहे हैं, तो अच्छा फील आ रहा है, देसी वाली फील आ रही है, और सेफ फील आ रहा है, एकदम भी डरने की कोई बात नहीं है। हॉस्टल भी सामने है, मेदिना एरिया सेफ ही रहता है। तो ये अपना आ गया खाना, क्या दिया है चाचा ने। तो इसका पड़ा मेरा 80 रुपये। और आगे फिर से हॉस्टल के छत पे, और ये पहला मोरक्को का वीडियो और अफ्रीकन सीज़ का पहला वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तंजीर ठीक से एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग मोरक्को, अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड विद योर एक्सप्लोरर राजा।